यूपी के कुंडा में डीएसपी मर्डर केस में आज एक नया मोड़ आ गया। डीएसपी जियाउल हक ने राजा भैया की हिस्ट्री शीट तैयार की थी। हिस्ट्री शीट मतलब गुनाहों की लिस्ट। इसमें राजा भैया की हत्या और किडनैपिंग जैसे 47 संगीन अपराधों की फेहरिस्त है। कहा जा रहा है कि डीएसपी ने इस हिस्ट्री शीट को अपने आला अधिकारियों के पास भेजा था, लेकिन सूत्रों से पता चला है कि इस लिस्ट को दबा दिया गया। यहां सवाल उठ रहा है कि कहीं डीएसपी की हत्या की वजह राजा भैया की यही हिस्ट्री शीट तो नहीं। हिस्ट्री शीट की वजह से हुई डीएसपी की हत्या। डीएसपी ने किए हिस्ट्री शीट पर मौत के दस्तखत। यही है कुंडा के डीएसपी जिया उल हक की मौत की वजह। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इसी हिस्ट्री शीट की वजह से डीएसपी को मौत के घाट उतार दिया गया। राजा भैया की यह हिस्ट्री शीट तैयार की थी जिया उल हक ने। देखिए, सबसे ऊपर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का नाम लिखा है। सारे मुकदमे एक एक कर लिखे गए हैं, किन किन धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज किए गए, कौन कौन से थानों में मुकदमे दर्ज हैं, सब कुछ लिखा गया और आखिर में दस्तखत हैं जिया उल हक की। काफी गंभीर मामले हैं, जैसे कि मर्डर में जो सामने मेरे लिस्ट है 7 मर्डर के हैं, उसके अलावा गैंगस्टर 6-7 गैंगस्टर के केसेस हैं। ये रिपोर्ट 5 सितंबर 2012 को पुलिस के आला अफसरों को भेजी गई थी। सीओ ने रिपोर्ट में बताया था कि राजा भैया पर कुल 47 मामले दर्ज हैं। इनमें से 23 केस कुंडा थाने में, 8 मुकदमे हतिगवा थाने और 5 केस नवाबगंज थाने में दर्ज हैं, जिनमें कई हत्या के मुकदमे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि कहीं राजा भैया के गुनाहों की लिस्ट जो डीएसपी ने तैयार की थी, कहीं राजा भैया को खटकने तो नहीं लगी। सिर्फ राजा भैया ही नहीं बल्कि उनके सबसे करीबी एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह की भी हिस्ट्री शीट तैयार की थी डीएसपी जियाउल हक ने। अक्षय प्रताप सिंह के खिलाफ अलग अलग थानों में 28 मुकदमे दर्ज हैं। एक बोल्ड काम है, हिम्मत का काम था, क्योंकि एक जनरल आम अवधारणा है, परसेप्शन है कि प्रतापगढ़ में उनके खिलाफ कभी भी कोई अधिकारी, किसी भी स्तर का अधिकारी जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। कुंडा में जितने भी अधिकारी जाते हैं सब श्री रघुराज प्रताप सिंह के यहाँ दरबार करने जाते हैं। यही एक ऐसे अधिकारी थे जो दरबारगिरी नहीं करते थे। शहीद डीएसपी की पत्नी परवीन आजाद ने भी यह शक जाहिर किया था कि उनके पति की हत्या सोची समझी साजिश के तहत करवाई गई। परवीन ने यह आरोप लगाया था कि राजा भैया के डर से जिया उल हक पिछले काफी समय से परेशान थे, यहाँ तक कि वो कुंडा से अपना ट्रांसफर तक करवाना चाहते थे। डरने लगे थे कुंडा में जाके। कितनी बार जो है उन्होंने ट्रांसफर की भी बात की थी हमसे कि काश मेरे पास अगर कोई सोर्स होता तो मैं ट्रांसफर करा लेता। हमसे उन्होंने ये भी कहा था कि तुम ही चले जाओ अखिलेश यादव के दरबार में, जनता दरबार में, अपने भैया के जनता दरबार में चले जाओ, मेरा ट्रांसफर करा दो। मैं यहाँ बहुत परेशान हूँ, बहुत प्रेशर में हूँ, एक कदम भी कोई यहाँ नहीं चलता है बगैर राजा भैया की मर्जी का। हालांकि उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अरुण कुमार के मुताबिक जिया उल हक ने कोई हिस्ट्री शीट पुलिस मुख्यालय को नहीं भेजी। अरुण कुमार के मुताबिक अगर हिस्ट्री शीट तैयार की गई है तो वो जिला स्तर पर तैयार की गई होगी, लेकिन पुलिस सूत्रों का यह भी दावा है कि डीएसपी की रिपोर्ट पुलिस के आला अफसरों तक पहुंची, लेकिन आधिकारिक रूप से कार्रवाई नहीं की गई बल्कि दूसरे कदम उठाए गए। राजा भैया से जेल मंत्रालय वापस लेने के फैसले को भी इसी मामले से जोड़ा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक एक बालू माफिया के फोन की वजह से राजा भैया और डीएसपी के बीच अनबन हो गई थी। लोग बताते हैं कि एक बालू माफिया डीएसपी जियाउल हक की बात राजा भैया से फोन पर कराना चाहता था, लेकिन डीएसपी जियाउल हक ने राजा भैया से बात करने से इनकार कर दिया, जिससे राजा भैया खासे नाराज हुए। डीएसपी को राजा भैया से जान का खतरा था, ये बात डीएसपी जियाउल हक की पत्नी भी बार बार कह रही है। कभी नहीं जाते थे, किसी के घर नहीं जाते थे, मतलब कहीं भी जाके बैठते नहीं थे, स्पेशली किसी को बटरिंग करने के लिए। इवन जो है राजा भैया की कोठी पे भी नहीं जाते थे, 5.5 महीने में कभी नहीं गए, कभी किसी की बटरिंग नहीं करते थे। एक केस में एक हाई कोर्ट ने जो अपना दिया था उसमें एक ऑब्जर्वेशन दिया था कि अगर चुप रहेगी जबान ने खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का। ये आस्तीन का लहू है, ये जो आपके पास ये जो दस्तावेज है
और ये बहुत कुछ बयान कर रहा है। परवीन आजाद के आरोपों और इस हिस्ट्री शीट के सामने आने के बाद राजा भैया पर शिकंजा कस सकता है। साथ ही कई सवालों के घेरे में पुलिस महकमे के आला अधिकारी भी हैं, जिन्हें जवाब जरूर देने होंगे। पहला सवाल, क्या हिस्ट्री शीट की वजह से ही डीएसपी की हत्या हुई? दूसरा सवाल, क्या डीएसपी द्वारा तैयार की गई हिस्ट्री शीट प्रतापगढ़ से आगे बढ़ी ही नहीं? तीसरा सवाल, अगर जिया उल हक ने रिपोर्ट भेजी तो वो पुलिस मुख्यालय क्यों नहीं पहुंची? चौथा सवाल, क्या जानबूझकर राजा भैया के खिलाफ रिपोर्ट को रोक लिया गया? लखनऊ से इंडिया टीवी के लिए रुचि कुमार की रिपोर्ट। डीएसपी समेत तीन लोगों की हत्या की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी। जांच की शुरुआत सीबीआई ने उस गांव से की जहां ये वारदात सरेआम हुई थी। सीबीआई ने गवाह तलाशने की बहुत कोशिश की, लेकिन हैरानी की बात है कि एक भी गवाह सामने नहीं आया। मजबूरन सीबीआई को गवाह ढूंढने के लिए एक नंबर और ईमेल आईडी जारी करनी पड़ी। वहीं शहीद डीएसपी की पत्नी ने मांग की है कि मामले की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए, तभी इस मामले की निष्पक्ष जाँच हो पाएगी। तीन तीन हत्याएं हो गई, लेकिन किसी ने कुछ नहीं देखा। डीएसपी को सरेआम गोली मार दी, लेकिन सबने मुंह फेर लिया। यह दहशत है कुंडा में राजा भैया की। सीबीआई गवाह तलाश रही है, लेकिन कुंडा में राजा भैया की दहशत इतनी है कि कोई गवाही देने के लिए सामने नहीं आ रहा। गवाह और सबूत जुटाने के लिए सीबीआई ने कुंडा जिले के वलीपुर गांव के पंचायत भवन में कैंप लगाया है, लेकिन अब तक कोई इस मामले में गवाही देने के लिए सामने नहीं आया। मजबूरन सीबीआई ने एक नंबर और ईमेल आईडी जारी किया और पब्लिक से अपील की कि इस मामले में किसी के पास कोई जानकारी हो तो सीबीआई को जरूर बताए। सीबीआई ने जो फोन नंबर जारी किया है वो है 05341230006। हत्या से जुड़ी जानकारी spscu1dl@cbi.gov.in पर भी दे सकते हैं। सीबीआई ने अपील की है कि हत्या से जुड़ी जानकारी बेखौफ होकर इस नंबर और ईमेल आईडी पर दें। साथ ही ये भरोसा दिलाया है कि जानकारी देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। बताया जा रहा है कि सीबीआई को गवाही देने के लिए गांव में कोई आदमी इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि जब से ये मामला सीबीआई के पास पहुंचा है लगभग सारे पुरुष गांव छोड़कर भाग गए हैं। सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। शहीद डीएसपी की पत्नी परवीन इस बात से संतुष्ट भी हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ मांगें रखी हैं सरकार के सामने। परवीन की पहली मांग है कि सीबीआई की टीम दिल्ली की हो, ना कि लखनऊ की। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाए, सीबीआई जो सबूत इकट्ठा करे वो सीधे कोर्ट में लेकर जाए, ना कि अपने किसी अधिकारी के पास। सीबीआई अफसरों के बायोडाटा दिए जाए ताकि उन्हें पता हो कि कौन अफसर इस केस में जांच कर रहे हैं। पहला पॉइंट ये है कि सीबीआई की जो टीम हो दिल्ली से हो, ताकि लखनऊ के ना हो, ताकि कोई उस पर कोई पॉलिटिकल प्रेशर ना हो। स्पेशल कोर्ट बनाई जाए और सीबीआई जो भी सबूत इकट्ठा करे वो सीबीआई कोर्ट में जाए डायरेक्टली, ना कि वो किसी अपने अधिकारी को दे। और जो सीबीआई जो काम कर रही है उनके सारे बायोडेटाज मेरे पास होने चाहिए ताकि मुझे मालूम हो कि कौन जो है काम कर रहा है। परवीन किसी भी कीमत पर इंसाफ चाहती है। राजा भैया के रुतबे को देखते हुए वो ऐसी मांग कर रही हैं। अब देखना होगा कि प्रदेश सरकार उनकी इन मांगों को कितना तवज्जो देती है। रुचि कुमार के साथ राजीव पांडे, इंडिया टीवी, प्रतापगढ़। डीएसपी मर्डर केस में राजा भैया पर शिकंजा कसेगा, लेकिन उससे पहले सीबीआई ने उन पुलिस वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया जो डीएसपी जियाउल हक को अकेला छोड़कर भाग गए थे। कल सीबीआई ने डीएसपी के गनर इमरान को भी ढूंढ निकाला। सीबीआई ने कल चार निलंबित पुलिस वालों को हिरासत में लेकर उनसे घंटों पूछताछ की। कैमरे पर पहली बार डीएसपी का गनर, यही है डीएसपी जियाउल हक का वो गनर जो अपने डीएसपी को मौत के मुंह में अकेला छोड़कर भाग खड़ा हुआ था। हत्या के बाद से लापता गनर इमरान को कल सीबीआई ने ढूंढ निकाला। सीबीआई ने इमरान को हिरासत में लेकर कई घंटों तक पूछताछ की। हालांकि इस दौरान जब ये कैमरे के सामने आया तो यहां भी ये पीठ दिखाता हुआ भाग खड़ा हुआ। देखिए कैसे मीडिया से मुंह छिपाकर डीएसपी का ये गनर भाग रहा है। ये गनर डीएसपी की सुरक्षा के लिए तैनात था, लेकिन जब वक्त आया तो यही गनर डीएसपी को दगा देकर भाग खड़ा हुआ। मामी। 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 मामी।
खबर है कि सीबीआई की पूछताछ में भी सीओ के गनर ने इस ओर इशारा किया कि अपने सरकारी आवास में रहते हुए जियाउल हक बेहद सतर्क और सावधान रहते थे, उन्हें किसी बात का डर सताता रहता था। अब मिलिए एक और भगोड़े पुलिस अफसर से। यह है हथीगवा थाने के निलंबित एसओ मनोज शुक्ला। इनका मुस्कुराता चेहरा बता रहा है कि इन्हें अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं। ये भी डीएसपी के साथ मौके पर गए थे, लेकिन ये भी डीएसपी को छोड़कर भाग खड़े हुए। हालांकि जब इनसे पूछा गया कि ये क्यों भागे, तो इनसे जवाब देते नहीं बना। क्या आपको इस बात का दुख है कि आप वहाँ अगर होते और जाके आपको होना चाहिए था, आप मानते कि गलती हुई, आप दूसरे जगह थे उस वक्त? यहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट थी, मेरे क्योंकि मैं अपना माइंड अप्लाई वहाँ कर रहा था। सीबीआई ने गनर और एसओ सहित कुंडा के निलंबित कोतवाल सर्वेश मिश्रा और एसआई विनय कुमार से भी पूछताछ की। इन सभी को मौका वारदात पर ले जाकर सीबीआई ने पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की। सूत्रों से खबर मिली है कि डीएसपी के साथ गए पुलिस वालों से पूछताछ के बाद सीबीआई जल्द ही राजा भैया को भी पूछताछ के लिए बुला सकती है, लेकिन सीबीआई इस कोशिश में है कि उनसे पूछताछ से पहले लखनऊ सीएम आवास से उनकी मौजूदगी के सबूत तलाश लिए जाएं। राजा भैया ने यह बयान दिया था कि वारदात वाले दिन वो लखनऊ में सीएम आवास गए थे और उनका ड्राइवर गुड्डू सिंह भी उनके साथ था। गुड्डू सिंह भी इस मामले में आरोपी है, जिसे पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। सीबीआई ने राजा भैया के करीबी गुलशन यादव, रोहित सिंह और गुड्डू सिंह के मोबाइल कॉल डिटेल्स भी निकलवाई हैं। इन तीनों ने ही सीओ जियाउल हक की हत्या के पहले और बाद में राजा भैया से बात की थी। सीओ की पत्नी परवीन पहले ही इन तीनों का नाम ले चुकी हैं। इधर सीबीआई कुंडा के ट्रिपल मर्डर केस के सुराग ढूंढ रही है, तो दूसरी तरफ शहीद डीएसपी की पत्नी परवीन आजाद ने सरकार के दिए ओएसडी के पद को ठुकरा दिया है। परवीन की मांग है कि जो पोस्ट उनके पति की थी, वही पोस्ट उन्हें चाहिए। मैं ओएसडी के पोस्ट को स्वीकार नहीं कर रही हूं। मैं जो शुरू से मांगते आ रही हूं कि मुझे डीएसपी की पोस्ट चाहिए, वही पोस्ट जो मेरे पति की थी, मैं वही स्वीकार करूंगी। ओएसडी पद बुरा नहीं होता है, वो कोई चपरासी का पद नहीं है, उनकी हैसियत के हिसाब से वो पद दिया गया है। मेरी सलाह है कि उन्हें उस पद में ज्वाइन कर लेना चाहिए। अब उन्होंने कहा है सरकार इस पर विचार करेगी, उसके सारे कानूनी पहलू देखे जाएंगे, अगर उनकी बात कानून के दायरे में मानने की होगी तो जरूर मानी जाएगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी कल देवरिया पहुंचकर शहीद डीएसपी के परिवार के आंसू पोंछे। राहुल डीएसपी की कब्र पर भी पहुंचे। राहुल ने भी भरोसा दिलाया कि डीएसपी के परिवार को इंसाफ जरूर मिलेगा। लड़की अकेली बैठी है, कमरे में बैठी है, मगर वो अकेली नहीं है, उसको न्याय मिलेगा और जिन्होंने भी ये काम किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। रुचि कुमार के साथ राजीव पांडे, इंडिया टीवी, प्रतापगढ़।